अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है जिसमें आपसे पूछेगा कि करंट इश्यू गिवन होगा और आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस ट्रांजेक्शन के होने के बाद हमारा कैश करंट रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या फिर नॉट चेंज होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे जल्दी से देखिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला सभी को मालूम है, सी ए अपॉन सी एल, और करंट रेशियो गिवन है 2 लाख, 2:1, 2 को हमने कर दिया 2 लाख और 1 का कर दिया हमने 1 लाख। अब इसमें लिखा हुआ है कि हमने गुड परचेस करें, अब गुड्स कितने के परचेस करें ये क्वेश्चन में अमाउंट गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 50,000 के गुड्स परचेस करें। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, जब हम गुड्स परचेस करेंगे तो हमारे पास इन्वेंट्री आएगा, इन्वेंट्री आएगा मतलब हमारे पास करंट एसेट्स बढ़ जाएगी, और साथ में क्योंकि हमने गुड्स परचेस करे किसमें, कैश में, तो हमारे पास से 50,000 रुपए कैश चला जाएगा। 50,000 रुपए आए और 50,000 रुपए चलेगा, इसका मतलब हमारी फिगर जो पहले थी वही रहने वाली है, इसका मतलब हमारा आंसर सेम रहेगा 2:1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट चेंज।